हाय गाइस, दिस इज सिद्धांत एंड यू आर वाचिंग मिस्टर अकाउंट्स। आज है वीडियो नंबर 99। इस वीडियो में हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जो हमारा सीरीज चल रहा था कि हम क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे थे, सो उस सीरीज का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। गाइस, ये जो थर्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेस होगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। पिछले जो दो वीडियो गए इस सीरीज के, उसमें हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इन दोनों के एक सेपरेट क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और इस वीडियो में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये दोनों अकाउंट एक साथ बनाना सीखेंगे और उस पर एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो गाइस, देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एक्स एंड वाई एंटर इनटू अ पार्टनरशिप ऑन 1st अप्रैल 2017। बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन, एक बात बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल, क्वेश्चन नंबर 56 है, पेज नंबर 2.90 पे, आई मीन 2.90 पेज पर जो क्वेश्चन नंबर 56 है, सेकेंड चैप्टर, मतलब अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देयर कैपिटल एज ऑन 1st अप्रैल 2018 वर 2 लाख एंड 1,50,000। उनकी कैपिटल 2 लाख है और 1.5 लाख है। ठीक है, ऑन 1st अक्टूबर 2018 एक्स गेव 50,000 एज लोन टू द फर्म। देखो, एक्स और वाई पार्टनर है, ठीक है, जो एक्स है उसने खुद की ही फर्म को लोन दिया है 50,000 रुपए का। कब दिया है? 1st अक्टूबर 2018 को। ठीक है, आगे देखो, एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड के प्रावधान के कारण, मतलब क्या क्या चीजें हैं जो कि हमको इस क्वेश्चन में देना है, या फिर मतलब क्या क्या रिम्यूनरेशन रहेंगे और क्या क्या बातें रहेंगी, वो देखिए। तो गाइस, जो सबसे पहला पॉइंट है, देख रहे होंगे आप, उसमें ये लिखा है कि 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बट आफ्टर मेकिंग अप्रोप्रिएशन वॉज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि वो प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट? वो प्रॉफिट जिसको हमने निकाला इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करने से पहले। मतलब आपको करना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, उसमें सारे अप्रोप्रिएशन करना है, मतलब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो दो, सैलरी दो, कमीशन दो, और जो भी है वो दो, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को चार्ज मत करो। बिना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करने के, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज ना करें, और उसके पहले का प्रॉफिट जो है, उस प्रॉफिट का 20% आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करो। एक बार फिर से बोल रहा हूं, आप सब कुछ करो, पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, सैलरी दो, कमीशन दो, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट लिखो, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अभी चार्ज मत करो, उसको अभी मत लिखो। बिना उसको लिखे हुए आप क्या करो, जो रफली प्रॉफिट आ रहा है, उस प्रॉफिट का 20% आप रिजर्व में ट्रांसफर करो। ये आपको फर्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं। ठीक है, तो अपन करेंगे, कैसे करते वो भी देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 12% पर एनम पे चार्ज किया जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो 10% पर एनम पे चार्ज किया जा रहा है। नेक्स्ट, एक्स टू गेट मंथली सैलरी ऑफ 5,000, 5,000 रुपये सैलरी दी जा रही है एक्स को, और वाई को मिल रही है सैलरी 22,500 पर क्वार्टर। मतलब साल में चार बार सैलरी दे रहे हैं और चार बार 22,500, मतलब चार बार दे रहे हैं इतना रुपया। ठीक है, तो अब आगे क्या है, X is entitled to a commission of 5% on sales। जो X है उसको एक कमीशन मिल रहा है, और वो कमीशन कितना होगा वो देखिए, 5% on sales, सेल्स पे टोटल से जो भी होगी उसका 5% का कमीशन X को जाएगा। अब आपको यहाँ पर दिया हुआ है सेल्स कितना दिया है, 3,50,000, 3,50,000 का 5% निकालेंगे और कमीशन देंगे X को। ठीक है, आगे देखो, प्रॉफिट इज टू बी शेयर्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और इसको देखना जरूरी है। प्रॉफिट इज टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल अप टू 1,75,000। मतलब ये कि 1,75,000 रुपए तक का अगर प्रॉफिट होता है, तो मतलब इतना प्रॉफिट तो आप जो डिस्ट्रीब्यूट करोगे वो कैपिटल रेशियो में करोगे, और अगर इससे ज्यादा होता है तो बचा हुआ आप क्या करोगे, क्या लिखा है, एंड बैलेंस इक्वली, जो बचा हुआ है उसको इक्वल, जैसे अब एग्जांपल, सिर्फ एग्जांपल, जैसे 2 लाख का प्रॉफिट हुआ तो 175,000 को आप कैपिटल रेशियो में डिवाइड कर दो, और बचे फिर जितने भी होंगे, बचे कितने, 25,000 और बचे, तो इस 25,000 को आप इक्वली करो। तो इसका भी हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं बढ़िया तरीके से देखेंगे। ठीक है, आगे क्या दिया है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019 बिफोर अलाउिंग और चार्जिंग इंटरेस्ट वॉज 4,61,000। द ड्रॉइंग ऑफ
x and y were 1 lakh and 1,25,000 respectively. Past journal entries, ठीक है, and leading to appropriation out of profit. So guys, journal entries की बात अगर हम करें, तो अब मैंने क्या बोला कि हम यहाँ तो profit and loss account और partners capital account बना रहे हैं. तो guys, journal entries आपको इस वीडियो के एंड में एक in form of a page, मतलब आपको एक page दिखेगा, उससे आप journal entries देख लीजिएगा. ठीक है, अब देखो फिलहाल तो हम ये main मुद्दा करें, partners capital account और profit and loss appropriation. So देखिए जरा कैसे सॉल्व करते इस क्वेश्चन को. सबसे पहले आप एक बात देखिए कि हमको क्या लिखना है यहां पर, नेट प्रॉफिट. ठीक है, यहां पर क्या लिखा जाएगा, नेट प्रॉफिट. ठीक, नेट प्रॉफिट कितना, देखिए क्या दिया है, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 बिफोर अलाउइंग और चार्जिंग इंटरेस्ट वाज 4,61,000. तो जो प्रॉफिट है वो कितना है, 4,61,000. लेकिन मैंने इसको अंदर क्यों लिखा, मैंने इसको अंदर इसलिए लिखा क्योंकि ये रियल नेट प्रॉफिट नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि गाइज आप ऊपर क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट में सॉरी सबसे ऊपर ही देख रहे होंगे क्या दिया है कि ऑन 1st October 2018 एक्स गेव 50,000 एज लोन टू द फर्म. तो यार एक्स ने जब लोन दिया है तो इस लोन पर फर्म एक्स को इंटरेस्ट भी देगी. ठीक है, तो जो इंटरेस्ट चार्ज होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो चार्ज होता है वो आउट ऑफ प्रॉफिट चार्ज होता है. दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ एप्रोप्रिएशन टू अ पार्टनर. माना अगर पार्टनर ने लोन दिया है लेकिन ये एक एप्रोप्रिएशन नहीं है, बिकॉज एप्रोप्रिएशन क्या होता है कि आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रॉफिट से चीजें निकाल निकाल के दे रहे हैं. लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है. ठीक है, मतलब ये इंटरेस्ट अगर आउटसाइडर से लेते तो भी उतना इंटरेस्ट देना पड़ता, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है. तो हम यहां पर इसका एक मिनी एडजस्टमेंट करेंगे. कैसा, ये 4,61,000 प्रॉफिट दिया हुआ है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये बिफोर चार्जिंग, मतलब यहां पे अभी हमने इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया है, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज नहीं किया है. तो हम क्या करेंगे, अगर इससे लोन का इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा. तो देखो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आ रहा है, ध्यान से देखो, जो लोन का अमाउंट दिया है वो आपको दिया है 50,000. इस 50,000 पर चार्ज होगा इंटरेस्ट. सो गाइस इंटरेस्ट का जो रेट दिया है वो क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, और अगर कोई रेट नहीं दिया रहता इंटरेस्ट ऑन लोन का तो क्या रेट चार्ज किया जाता है, 6%. इट मींस 50,000 पे 6% चार्ज किया जाएगा. ठीक है, अब देखो एक बात और लिखी हुई है कि जो लोन दिया था वो ऑन 1st October 2018 दिया था, मतलब अक्टूबर से नहीं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 मंथ. तो ये जो है 6 मंथ पे चार्ज किया जाएगा, 50,000 का 6% होता है 3,000 rupees, और 3,000 rupees into 6/12 मतलब 6 महीने का, मतलब आधा, तो कितना 1,500 rupees. तो यहां पर हम माइनस करेंगे 1,500 rupees एज इंटरेस्ट ऑन लोन. ठीक है, ये हमने माइनस किया तो यहां पर कितना जाएगा, 4,59,500. आगे देखिए क्या दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा एट द रेट ऑफ 12% पर एनम. ठीक है, तो देखिए कैपिटल कितनी है, एक्स की कैपिटल, दो मिनट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हो गया एक्स का, ये हो गया वाई का, कितना कितना है, 2 लाख उसकी और 1.5 लाख उसकी. ठीक है, तो 12% अगर चार्ज किया जाए तो 24,000 इसका आएगा और 18,000 इसका आएगा. ये कैसे चार्ज किया गया, कितना, 12% ऑफ क्या, कितनी थी कैपिटल, 2 लाख, और ये 12% ऑफ 150K. ठीक, ऐसे इसको निकाला गया. तो जो टोटल इंटरेस्ट है वो कितना हो गया, 42,000. ठीक, आगे देखिए क्या लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देखो अभी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को अभी नहीं कर रहे हैं, लास्ट में करेंगे, क्योंकि एक बात और है फर्स्ट वाली, तो उसको भी करना है. तो इस सोच समझ के लिखना चाहिए कि पहले क्या लिखना है, पहले क्या नहीं लिखना. ठीक है, आगे देखो, एक्स टू गेट मंथली सैलरी ऑफ 5,000. ठीक है, हर महीने सैलरी के नाम पर एक्स को इन्हें 5,000 रुपए मिल रहे हैं. तो 12,560, मतलब कि जो टोटल सैलरी होगी वो होगी 60,000. तो ये आई कैसे, ये आई 12 × 5,000, मतलब ये 5,000 हर महीने की और 12 महीने. तो ये हो गई किसकी, एक्स की. अब वाई की कितनी, वाई की देखिए, वाई टू गेट सैलरी ऑफ 22,500 पर क्वार्टर, मतलब यहां पर हम करेंगे 22,500 × 4, क्योंकि 4 बार दी जा रही है सैलरी साल भर में, तो इसकी कितनी हो गई, 90,000. तो ये 90,000 सैलरी देने के बाद ये टोटल इसका हो गया सैलरी 1,50,000. आगे देखिए क्या लिखा है,
एक्स इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल्स, और सेल्स दी है तो यहां पर लिखेंगे अब हम कमीशन, कमीशन टू एक्स, एक्स को कितना कमीशन दे रहे हैं हम, 5% दे रहे हैं टोटल सेल्स पे, टोटल सेल्स कितनी दी है 3,50,000, इस पर है 5% का कमीशन, तो ये आ जाएगा कितना 17,500। ठीक है, ये 3,50,000 जो आपको सेल्स दिया था उस पर 5% दिया है, तो 5% निकालेंगे हम 3,50,000 का और आ गया 17,500। आगे क्या दिया है, प्रॉफिट इज टू बी शेयर्ड, नहीं ये नहीं करेंगे अभी, हमने एक चीज क्या नहीं की है, इंडसन ड्रॉइंग। सबसे ऊपर वाला पॉइंट पे वापस आते हैं, हमको जनरल रिजर्व पे पैसा ट्रांसफर करना है, 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन वॉज टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। हम ये जो जितना भी किए ना ये सब, बस इसका एक रफ बैलेंस निकालेंगे जिसको हम मानेंगे प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट का 20% हम ट्रांसफर करेंगे किस चीज पे, जनरल रिजर्व पे। तो जनरल रिजर्व पे पैसा ट्रांसफर होगा इसके बैलेंस, मतलब जो बैलेंस है इसका 20%, जिसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां लिखेंगे 20%, चलो यहां पे करते हैं इसको, ठीक है, 20% ऑफ, ऑफ व्हाट, 4,59,500 माइनस 42,000 प्लस 17,500, इस सब को हम मिल जोड़कर 4,59,500 से माइनस कर देंगे और उसका 20% निकालेंगे तो हमारा निकल जाएगा जनरल रिजर्व का पैसा। तो इसको देखते हैं कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, 4,59,500 माइनस 42,000, इसका आ रहा है 2,09,500 जिसको माइनस करेंगे 4,59,500 से, तो इसको माइनस करने के बाद आ रहा है 2,50,000। सो गाइस ये जो 2,50,000 है इसका 20% हम कहां ट्रांसफर करेंगे, जनरल रिजर्व पे, तो ये 2,50,000 का अगर हम 20% निकाल लें तो कितना आएगा 50,000। सो गाइस जो 50,000 है वो ट्रांसफर किया जाएगा जनरल रिजर्व पे, और यहां पर हम इसको वर्किंग नोट नंबर 1 दे देते हैं और यहां पर लिख देंगे WN1। ठीक, तो ये आया 50,000 कैसे आया वो पता चल जाएगा। ठीक है, सो गाइस ये 50,000 हो गया। अब हमको एक और काम क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देखना है कितनी आ रही है। तो बैक टू द क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट था 10% पर एनम, और आपको सबसे लास्ट में दिया होगा एक्स एंड वाई, ड्रॉइंग्स ऑफ एक्स एंड वाई वर 1 लाख एंड 1,25,000 रेस्पेक्टिवली। सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक्स की वाई की 10-10% है, 1 लाख का 10% 10,000, ठीक है, और 1,25,000 का 10% 12,500। ठीक है, तो इसका अब आधा होगा, क्यों होगा आधा, इसलिए होगा आधा क्योंकि आपको देखो ड्रॉइंग का अमाउंट कितना है वो दिया हुआ है 1 लाख और 1,25,000, लेकिन आपको टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ कि इनने कब ड्रॉइंग की। तो जब टाइम पीरियड नहीं दिया होता और 10% पर एनम लिखा होता है तो हम 6 मंथ की ड्रॉइंग चार्ज करते हैं, तो 6 मंथ की ड्रॉइंग चार्ज करने के बाद आएगा 5,000 और 6,250, तो इसका टोटल हो गया 11,250। सो अब हम करेंगे प्रॉफिट की बैलेंसिंग। ठीक, प्रॉफिट की बैलेंसिंग, तो देखो जरा आप ध्यान से कि प्रॉफिट कितना आ रहा है, इस साइड का कितना 4,59,500 प्लस 11,250, ये हो गया इस साइड का 4,70,750, इसे अब हम माइनस करेंगे 14,000 माइनस 1,50,000 माइनस 17,500 माइनस 50,000, तो प्रॉफिट आ रहा है 2,11,250, मतलब 2,11,250 का जो है वो क्या है, प्रॉफिट। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आपको क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमें क्या करना है, प्रॉफिट इज टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल अप टू 1,75,000। प्रॉफिट आपका जितना भी हो रहा है वो मैटर नहीं करता, लेकिन मैटर ये करता है कि 1,75,000 रुपए तक का प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में ट्रांसफर होगा। इट मींस पहले अपन क्या करेंगे, देखो अब इसका एक सिंपल सा मैं टेबल बना रहा हूं, उसको ज्यादा बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी समझने के लिए हम बना रहे हैं। तो देखो टेबल कैसे बनता है, ये हो गया एक्स का कॉलम और ये हो गया वाई का कॉलम, एक्स एंड
y. So guys, हमें करना क्या वो देखना बिल्कुल ध्यान से कि आपको 1,75,000 तक का पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है इन 4:3. अब बताओ ये 4:3 कहाँ दिया है आपको, क्या बोला, ऑफ देयर कैपिटल, दो मिनट, प्रॉफिट इज टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल. ठीक है, इनकी कैपिटल कितनी थी, 2,00,000 और 1,50,000. 2,00,000 और 1,50,000 का अगर आप रेशियो निकालेंगे तो आएगा 4:3. तो इस 4:3 में 75,000 रुपए तक का प्रॉफिट क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. तो इसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 1,00,000 रुपीज और 75,000. हमने 175 को 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट किया है. अब देखो आगे क्या है, आगे क्या बोल रहा है वो कि एंड बैलेंस इक्वली. अब जो बचा है इसके बाद का उसको अब इक्वली कर दो. सवाल ही कितना बचा, तो कितना बचा देखो, टोटल था इतना. ठीक है, इससे अगर हमने 175 को तो उड़ा दिया, मतलब माइनस, दो मिनट, कहाँ गया टोटल था, हाँ 211,250 माइनस 175,000 को हमने हटा दिया, अब बचा कितना 36,250. ठीक है, तो ये जो 36,250 है, 36,250 in 1:1 इक्वली बोला, तो कितना जाएगा, समझ में आ रहा है यहां से, 18,125. ठीक है, अब ये आ जाएगा इनका किसको कितना मिला, 1,18,125 और ये हो जाएगा 93,125. तो ये इनका आ गया प्रॉफिट. आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा फिर ये. ठीक, तो प्रॉफिट आ गया एक्स और वाई का कितना कितना, 1,18,125 और 93,125. ठीक है, तो ये आ गया, ऐसे करते हैं. ठीक है, तो जब भी जरूरत पड़े ऐसा कोई सवाल आए कि इतना ऐसे होना चाहिए फिर उतना ऐसे होना चाहिए, तो एक छोटा सा टेबल बना लिए, जैसे जैसे पॉइंट दिए वैसा वैसा ट्रांसफर करते गए. ठीक है, सो गाइज ये तो हो गया अपना प्यारा सा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. अब हम देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम लिखेंगे पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस. सो गाइज पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस कितना दिया है, यहां पर हम लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन. कितना कितना इनका बैलेंस था कैपिटल का, 2,00,000 रुपीज था एक्स का और 1,50,000 था वाई का. ठीक, अब इसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल में क्या क्या करते हैं, हम वो सारी चीजें जो कि एक पर्टिकुलर पार्टनर को दी जाती हैं वो उनके प्रॉफिट वो कैपिटल में ऐड करते हैं और प्रॉफिट जो मिलता है उसको भी ऐड करते हैं. अगर कोई चीज जैसे कोई लॉस हो रहा है तो उस लॉस को फिर हम डेबिट में लिखेंगे, ड्रॉइंग कर रहा है आउट ऑफ प्रॉफिट तो उसको हम डेबिट में लिखेंगे. ठीक है, साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो कि पार्टनर्स की कैपिटल के अगेंस्ट चार्ज की जाती है उसको हम डेबिट में लिखेंगे. सो देखो अब यहां पर हमको क्या क्या चीजें क्रेडिट में करना है और क्या क्या चीजें डेबिट में करना है. सबसे पहली चीज ये कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी है 24,000 और 18,000, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 24,000 और 18,000. ये हो गया भाई. अब इसके बाद क्या बोल रहा है, सैलरी दिए. ठीक है, सैलरी कितनी, एक्स की थी 60,000 क्योंकि 5,000 रुपये पर महीने मिल रहे थे और इसकी थी 90,000. कैसे आई थी ये, 22,500 × 4 क्वार्टर में पैसा मिल रहा था इसको. ठीक है, अब आती है बात किस चीज की, अब हमें क्या लिखना है, कमीशन टू एक्स. क्या मिला एक्स को, कमीशन मिला, कमीशन कितने का मिला, 17,500 का. सिर्फ एक्स को मिला था ये वाला, तो वो सिर्फ एक्स को गया. अब बात आती है जनरल रिजर्व, जो कि हमने ये जो है वो फर्म का है. ठीक है, और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है. सो गाइस जो जनरल रिजर्व है वो हमने रियल में जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया है ना, पार्टनर्स को तो एप्रोप्रिएशन किया नहीं है उसका. ठीक है, तो पार्टनर को तो कुछ मिला नहीं है ना उससे. ठीक है, अब देखो आगे क्या, प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हुआ 1,18,125 का, 1,18,125 का जो प्रॉफिट हुआ एक्स के हिस्से का, और वाई के हिस्से का कितना था, 93,125 वो मिला वाई को, एक्स का इतना वाई का इतना. ये क्या है, प्रॉफिट. ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस. ठीक है, जो कि इनको मिला. अब बात क्या आती है आगे, सॉरी यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट लिख लेना, यहाँ भी अकाउंट लिख लेना. ठीक है, ये हमने क्या, प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया. अब ये भाई पूरी साइड हो गई. अब बात आती है कि हमने
कैपिटल के अगेंस्ट क्या क्या चीजें चार्ज की। तो सबसे पहली चीज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितनी कितनी, 5000 एक्स से और 6250 किससे, वाई से। आगे क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह कि ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किसी ने किसी ड्रॉइंग पे चार्ज हुआ होगा, तो ये ड्रॉइंग है वो भी लिखी जाती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो क्वेश्चन में आपको ड्रॉइंग कितनी दी थी, क्वेश्चन में आपको ड्रॉइंग दी थी 1 लाख और 1,25,000, ठीक है। तो इसकी है कितनी, 1 लाख और इसकी 1,25,000, ये क्या हो गई ड्रॉइंग्स, ठीक है। तो गाइस ये हो गई पार्टनर्स कैपिटल में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखने वाली सारी सारी चीजें। अब देखिए जरा इसका हम बैलेंस निकालते हैं कि कितना आ रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। सो देखो 2 लाख प्लस 3,14,625, ठीक है। कितना 3,14,625, ठीक, ये हो गया किसका, X का। अब आते हैं y की बात करते हैं, 1,50,000 प्लस 18,000 प्लस 90,000 प्लस 93,125, इसका टोटल कितना है 3,51,125, इसका कितना आ रहा है 2,19,875, ठीक है 2,19,875। सो गाइज ये आ गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस। मतलब ये जो हमने किया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, तो इसमें मेन क्या था, ये निकालना और ये निकालना, ठीक। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।